हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रास्ता कैफ़े आया हुआ हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, जो कि काफ़ी फेमस कैफ़े है बेंगलोर का। हाँ अपने दोस्त जिगरी यार के साथ, ललित गुजर के साथ आज बेंगलोर में रास्ता। कैसा लग रहा है तुझे भाई? बढ़िया। राम राम भाई सभी को। मोहित भाई का यूट्यूब चैनल है, हम भी आज मोहित भाई के साथ आए हैं। देखो हम आपको दिखाते हैं रास्ता कैफे आए हैं। वीकेंड के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है और बहुत अच्छा है। सैटरडे को बहुत अच्छा क्राउड रहता है। नाइट आउट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर नाइट आउट आप फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। अब ये दिखाते हैं हम इसका फ्रंट का कर रहे हैं रास्ता कैफे में, जो कि बहुत पुराना कैफे और फेमस कैफे है बेंगलोर का। और यहाँ पे मोस्टली आउटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, वीकेंड के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर की तरफ दिखाते हैं कैसा। आज क्राउड थोड़ा कम है पर सैटरडे को ज़्यादा क्राउड पड़ता है। आज संडे है तो संडे को फैमिली सब ज़्यादा है। हमें आपको थोड़ा अंदर की तरफ जाकर दिखाते हैं रास्ता कैसा है। मैशूर ज़्यादा है, यहाँ पे सिटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सिटिंग्स है आप देख रहे हैं यहाँ पे? एंजॉय बहुत ज़्यादा दे रखी है, बहुत अच्छा है। कितना भी क्राउड आ जाए सिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। स्मोक के लिए अलग से सेटिंग दिया हुआ है, स्मोक करने के लिए, कार करने के लिए, शीशे के लिए। यहाँ पे इस एरिया में आके किड्स अलाउड नहीं है, इधर पे ओनली कपल्स एंड फ्रेंड्स सर्कल के लिए अच्छा है, ठीक है। स्मोकिंग जैसे पहले होता था ऐसे ही हो गया। तो ये अब हम अभी हम ये हुक्के यहाँ पे जो स्पेशली लोग आना पसंद करते हैं वो हुक्के के लिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी हुक्का फेमस है। ललित भाई हमारे हुक्के के बारे में दिखा रहे हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा है यहाँ का, हमने भी ट्राई किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। आगे एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं सब।